हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बास्केट पावर लिफ्टिंग। सो आज प्रद्युमन की हैवी स्क्वाट करवानी है कॉस्ट्यूम में। अभी एक अपडेट है प्रद्युमन को लेके, पर वो मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगा, पहले चीजें क्लियर हो जाएं। और मेरा आज बेंच का सेशन है, रॉ सेशन है, 200-205 तक जाएंगे सिंगल रैप। तो क्योंकि एक दिन पहले मैंने अभी इक्विप्ड बेंच मारी है 320, तो अब कॉम्पिटिशन में ऑलमोस्ट क्या होता है कि हमें इक्विप्ड के जस्ट बाद ही, एक दिन बाद ही मारनी होती है रॉ। तो अब मैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस करा करूँगा ताकि अगर मेरे को इक्विप्ड और रॉ दो बेंच दोनों खेलने हैं तो मेरे को आदत रहे एक दिन के अंदर रिकवरी करके दोबारा हैवी मारने की। तो उसी तरीके से बॉडी का हैबिचुअल करेंगे। एंड आज का जो है ज़्यादा बात वीडियो के बीच में नहीं होगी क्योंकि उसकी भी हैवी है, फिर मेरे को भी रॉ लेनी है और फिर कराने में लगे रहेंगे। तो पहले आप ट्रेनिंग देखो, उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा लार्सन ब्रेस के बेनिफिट्स और लार्सन ब्रेस क्या होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। तब तक अभी इतना ही है, अब ट्रेनिंग करेंगे सीधा और ट्रेनिंग में मिलते हैं। तो भाइयों, हमारा बेंच का रॉ सेशन हो गया आज का। 202.5 वन रैप लिया, जैसे कि मैंने कहा था 200-205 के बीच में ही लेंगे, तो मैंने बीच में ही ले लिया 202.5। और बैकडाउन मारा था 185 के 3, और प्रद्युमन ने 325 के 3 रैप्स के 3 सेट मारे हैं, और 2 सेट मारे हैं, 3 नहीं मारे। झूठ नहीं बताना, झूठ बता के आजकल प्लेयर झूठे सेट झूठे वेट करके बता देते हैं कि लोगों को डराने के लिए। ऐसे डरने का नहीं, वेट हमेशा सच बताओ जो आप मार रहे हो, क्योंकि आप दुनिया को पागल बना सकते हो, अपने आप को नहीं। बात करेंगे PRX 900 की। हमारे ये नए शूज़ आए हैं प्रो वुल्फ के, तो इसमें अगर आप देख रहे होगे नाइक रोमैली उसकी लुक आ रही है, बहुत सुंदर से हैं। साइड पे जो सारा पोर्शन है नाइक रोमैली उसकी तरह, बट मैं इसकी एक जो चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया लगी, जो सबसे अच्छी चीज़ है, ये कम्फर्टेबल बहुत है। और आगे का जो टो है इसका वो नैरो नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इक्विप्ड या रॉ पावर लिफ्टर कोई भी हैं तो जो मैं चीज़ फील करता हूँ, मतलब मेरा सजेशन है, ये नहीं कि आप नैरो नहीं पहन सकते, बट जो मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा नैरो ना हो, थोड़ा आगे से खुला हो तो वो ज़्यादा बेटर है। उसका रीज़न ये है, इक्विप्ड लिफ्टर के लिए तो खासकर अगर वो कॉस्ट्यूम और पट्टी बांध रहा है तो भाई आपको पता है कितनी नमनेस हो जाती है, पैर सुन हो जाता है पूरी तरीके से, तो आगे से वो नैरो होगा तो नीचे और ऊपर वैसे ही दिक्कत होती है, नीचे और दिक्कत होगी तो पूरा ही पैर सुन होने लग जाएगा, क्योंकि कॉस्ट्यूम और पट्टी की वजह से ही सुन हो जाता है अगर बहुत टाइट हो तो। और रॉ में भी आजकल नी स्लिप्स बहुत टाइट आने लगी हैं, पहली वाली रॉ वाली बात नहीं रही, नी स्लिप्स के बहुत अच्छे पुश हैं, बहुत हार्ड मटेरियल के आ रहे हैं, उससे भी सुन हो जाते हैं पैर। तो इन शॉर्ट मेन मुद्दा यही है, आगे से कंफर्टेबल हैं, पीछे से तो है ही है, आगे से भी कंफर्टेबल है, टो मूवमेंट अच्छी है, आगे टो प्लेसमेंट मेरे को तो बहुत बढ़िया कंफर्टेबल फील कर रहा है, और मैं इसी में आगे के सेशन करने वाला हूँ अभी। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, एपिसोड का जो मेन टॉपिक लार्सन प्रेस। लार्सन प्रेस आप सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है कि लार्सन प्रेस में हमें पैर हवा में रखने होते हैं, बेंच पे मतलब नीचे नहीं रखने होते, जमीन पे बेंच पे भी नहीं रखने होते, पैर हवा में रखने होते हैं, ठीक है। फीट अप बेंच प्रेस अलग चीज़ है, लार्सन प्रेस अलग चीज़ है, और
नॉर्मल बेंच अलग चीज़ है। लार्सन प्रेस का बेनिफिट ये है, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी स्टेबिलिटी, आपका बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है जब आप पैर हवा में रख के बेंच मार रहे हो, और जब आप नॉर्मल बेंच मारोगे तो आप सोचो कितना आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, आपकी अपर बैक की टाइटनेस अच्छी आप कर पाते हो, कंट्रोल अच्छा कर पाते हो लोड का, ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। जब अगर आपका बैलेंस और ये स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी तो लोड कंट्रोल वगैरह नॉर्मल बेंच में बहुत ईजी हो जाएगा। और इसमें लेग ड्राइव का यूज़ नहीं होता तो पावर ज़्यादा लगती है, पावर ज़्यादा लगती है तो ऑटोमेटिकली आप जब नॉर्मल बेंच पे आओगे तो आपकी पावर बढ़ी हुई फील होगी आपको। अगर आप इसको रूटीन में अपने डालोगे लार्सन प्रेस को, तो आपकी नॉर्मल बेंच में डेफिनेटली फ़र्क आएगा ही आएगा, बिकॉज लार्सन प्रेस में आप उतना वेट नहीं मार पाओगे जितना नॉर्मल बेंच में मारोगे। तो लार्सन प्रेस में जब आप बॉडी को खींचोगे, और सबसे बड़ी बात लार्सन प्रेस की ये है कि प्योर पावर लगती है उसमें, हाथों की मसल्स की प्योर पावर है, पैर लेग मतलब टेक्निक वेक्निक तो खत्म हो जाती है, आर्च खत्म, लेग ड्राइव खत्म, ऑलमोस्ट स्कैपुलर रिट्रैक्ट उस तरीके से हो ही नहीं सकता, मतलब सारी टेक्निक तो खत्म है, एक तरीके से शीयर पावर कह सकते हैं उसको, सिर्फ पावर ही पावर के ऊपर मारी जाती है। तो पावर बढ़ानी है तो पावर पे ही काम करना पड़ेगा, टेक्निक पे तो हम करते ही हैं तो हमें अपनी पावर बढ़ाने पे भी काम करना पड़ेगा अगर बेंच बढ़ानी है तो। तो ये मेरे मेन पॉइंट थे, शायद आप लोगों को समझ आया होगा बहुत, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ चीज़ें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे मैं साइंस झाड़ने लगूंगा, आप लोगों को ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ करके बताऊंगा, आधे लोगों के सर के ऊपर से जाएंगी चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ जो बिगनर्स हैं, जो प्रो हैं, हर बंदे को मेरा जो बात बताने का मुद्दा है वो समझ आए, बात समझ आनी चाहिए मेन। तो सारी चीज़ें बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूँगा। तो लार्सन प्रेस का यही है, तो आज का इतना ही था भाइयों, थैंक यू। आप सीरीज़ को मेरे को दिख रहा है कि काफ़ी प्यार दे रहे हैं, और बेंच भी ठीक ठाक लगी रही है, अभी भी ऑफ सीजन में भी बेंच ठीक ही मार रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।